हमारे घर का जेनेरिक ल्यूक वार्म पोचा वैक्यूम क्लीनर रूम होल्डर विल सॉल्व द प्रॉब्लम अ कॉन्टैक्ट पेपर दैट आई हैव ओवर हियर समर क्लीन Hi दोस्तों and welcome to another video. I'm Tanya and it's that time of the year जब दिवाली की सफाइयाँ चल रही होती हैं, दिवाली की तैयारियाँ चल रही होती हैं and I for one I'm really excited about decorating my house because I just moved in. So just तो नहीं 3-4 महीने हो चुके हैं but क्योंकि इस नए घर में मैं पहली बार दिवाली celebrate कर रही हूँ so I want to clean it up very thoroughly. I want to decorate the whole place up and also one day before Diwali, before I go back home and celebrate with my parents, I also want to call my friends over. सो इन सब चीज़ों के लिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स शेयर द होल एक्सपीरियंस ऑफ डेकिंग अप द हाउस फॉर दिवाली विद यू गाइस एंड इन टुडेज़ वीडियो पर्टिकुलरली आई एम गोइंग टू बी टेस्टिंग आउट सम अमेज़न प्रोडक्ट्स विच आर मेंट फॉर क्लीनिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर मेकिंग योर प्लेस लुक अ लिटिल मोर स्पिक एंड स्पैन सो दैट यू ऑल्सो नो वेदर और नॉट यू शुड इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू बी लिंकिंग ईच वन ऑफ देम बिलो बट अगर इनमें से कोई हेल्पफुल हुआ और हमारी वीडियो में हमें पता चला कि वो सच में अच्छा है सिर्फ तभी इन्वेस्ट करिएगा So yeah, let's get started with today's video. So first product जिसे हम लोग शुरू करने वाले हैं is a very lukewarm, बहुत ही generic product जो literally I think lockdown के बाद तो सबके घर में होना ही चाहिए because this product literally blew out after the lockdown because everybody realized कि अब हमें सफाई घर की खुद से करनी है. So the first product in this video is going to be हमारे घर का जेनेरिक ल्यूक वार्म पोचा विच इज वाई आई नो दैट इट वर्क्स एंड आई वांटेड टू मेंशन इट इन द वीडियो कि अगर अभी तक भी आपने लॉकडाउन के बाद भी ये पोचा नहीं लिया है देन यू शुड इन्वेस्ट इन इट इट ऑल्सो कम्स विद एन एडिशनल फाइबर सो यू वॉन्ट टू एवर चेंज द नीचे का फाइबर जो गंदा हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस एज वेल अनदर थिंग दैट आई डू इन माय हाउस इज कि मैं पोचे का पानी कभी नॉर्मल टैप से नहीं लेती मेरे आरओ का पानी हमेशा कलेक्ट होता है यहाँ पे आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता है आई ऑलवेज कलेक्टेड इन अ बकेट सेपरेटली एंड ये पानी यूज होता है कपड़े धोने में पोचा लगाने में बिकॉज दिस इज नॉट बैड वाटर इट्स जस्ट नॉट ड्रिंकेबल वाटर सो आई विल ड्रॉ वाटर आउट ऑफ दिस बकेट फॉर डूइंग सम पोचा इतना काफ़ी होना चाहिए पूरे घर में पोछा तो नहीं लगाई मैं इस वीडियो के चक्कर में क्योंकि सफाई हो चुकी है पहले से ही अब हम लोग इसमें डालेंगे एक ढक्कन सरफेस डिसइंफेक्टेड फ्लोर क्लीनर या फिर जो भी फ्लोर क्लीनर आप यूज करते हैं सी नाउ द वन थिंग दैट आई मिस इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैंने लिया है ये 1200 का लिया था आई थिंक बट इसमें व्हील्स नहीं है सो ऑब्वियसली ड्रैगिंग दिस इज क्वाइट कंबसम आपको ये हैंडल से इसे लिफ्ट करना पड़ता है और when you lift it तो इसमें पानी एक साइड पे टिल्ट हो जाता है which is quite inconvenient if you want to carry this bucket around मुझे नहीं समझ में आता कि इसके डिजाइन में हैंडल ऐसा क्यों है एनी वे बिकॉज पानी मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला तो मैं इसे ऐसे उठा के बाहर ले जाने वाली हूँ लिविंग रूम में और वहाँ पे हम लोग पोछा लगाएंगे सो इस पोछे को यूज करने के लिए एक बहुत अच्छा सा मैकेनिज्म है यू सी दिस नॉब ओवर हियर इसको अगर आप खोल देंगे तो ये पोछा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग सो यू डिप द फाइबर पार्ट ऑफ द पोछा इन टू वाटर एंड इसको ड्रेन करने के लिए दिस इज माई फेवरेट पार्ट यू कीप दिस नॉब लूज एंड देन जस्ट So you just have to use this rod and नीचे automatically इसका mechanism ऐसा है कि इसमें centrifugal force लगता है और नीचे का mop rotate होने लग जाता है जब ये handle ढीले होता है अब आप अगर आपको पोछा लगाना है you can just tighten it back up and then your pocha is ready and also another good feature is that you can tilt the head a little bit and then wipe the floor very very conveniently so I think this product is very good for cleaning up your house especially if you're doing it yourself and if you're वेरी इंटेंसिव अबाउट योर दिवाली क्लीनिंग लाइक मी मेरे यहाँ पे थोड़े बैल्कनी का सामान पड़ा है आई अपोलोजाइज गाइज दैट्स बिकॉज आई एम रीडूइंग माई बैल्कनी अ लिटिल बिट सो ऑल ऑफ माई स्टफ इज जस्ट लाइंग अराउंड ओवर हियर सो ओवरऑल आई थिंक आई रियली लाइक दिस मॉप कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मॉप्स क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है कोई पानी बाहर नहीं छलकता ज़्यादा आपको बेंड करके पोछा नहीं लगाना पड़ता इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ऑल्सो ड्रेनिंग आउट द वाटर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉप बट आई वुड स्टिल से कि अगर आप ऐसा मॉप लें प्लीज़ टेक वन जिसमें से हैंडल के का इशू ना हो एंड नीचे व्हील्स हो ऑल्दो दैट कुड मे बी बी अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन 1200 रुपीज़ सो द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई हैव ओवर हियर इज़ अ वैक्यूम क्लीनर आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू ओन अ वैक्यूम क्लीनर सो बैडली क्योंकि मेरे घर पर नहीं था एंड मैं हमेशा सोचती थी कि डस्ट वगैरह को अब्जॉर्ब करने के लिए वैक्यूम क्लीनर इज सच अ गुड एडिशन टू द हाउस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दिस वैक्यूम क्लीनर आई जस्ट गॉट इट रिसेंटली ऑन अमेज़न प्राइम डे सेल प्राइम डे नहीं कौन सी थी महा फेस्टिव सेल जो भी थी
और उसमें जो मुझे सबसे चीपेस्ट वैक्यूम क्लीनर मिला ये सिर्फ मात्र 2000 रुपए का मिल रहा था मुझे सेल पे, एंड दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रो अमेज वैक्यूम क्लीनर एंड इट कम्स विद अ 1 year वारंटी, मैन्युफैक्चर वारंटी. ऑल्सो सरप्राइजिंगली इनफ Amazon पे इस प्रोडक्ट्स के कोई रिव्यूज कोई रेटिंग्स नहीं थी, सो आई जस्ट काइंड ऑफ टुक अ रिस्क इन दैट डिपार्टमेंट एंड आई ऑर्डर्ड इट एनीवे टू सी कि कैसा है ये एंड क्या मैं अपनी इसे इस वीडियो में फीचर कर सकती हूँ कि नहीं. बट बिफोर वी डाइव इनटू द क्लीनिंग प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स दैट वी गोइंग टू क्लीन अराउंड माय हाउस, लेट मी शो यू कि इसके साथ क्या क्या आया. वन इज अ वैक्यूम क्लीनर एंड इवन दो इट डिड नॉट हैव एनी रिव्यूज एंड रेटिंग्स, द फ्यू थिंग्स दैट आई चेक्ड बिफोर बाइंग इट वर दैट इट हैज अ 1 year मैन्युफैक्चर वारंटी, दिस इज अ 1200 watt मोटर विच मीन्स इट्स क्वाइट पावरफुल. और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वॉज कि इसकी जो वायर है इज एक्चुअली 8 meters लॉन्ग. अभी मैंने थोड़ी सी ही वायर इसकी बाहर निकाली हुई है बट अदरवाइज इट्स 8 meters लॉन्ग एंड इट ऑल्सो हैज एन ऑटोमेटिक वायर रिकॉइल मैकेनिज्म विच आई थॉट वॉज वेरी यूजफुल. एंड ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड आफ्टर यूजिंग इट वंस बिफोर दिस वीडियो वॉज शॉट दैट इट डज नॉट मेक एज मच नॉइज जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. बट बिसाइड दिस वैक्यूम क्लीनर देर आर अ फ्यू मोर पार्ट्स दैट केम विद इट. एक तो ये रॉड्स आई हैं दो सो दैट यू कैन एक्सटेंड द नॉजल ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, सो यू कैन फिट दिस ऑन द नॉजल एंड देन एक्सटेंड द लेंथ ऑफ योर वैक्यूमिंग एक्शन. सो इसके सिवाय वी हैव अ कारपेट एंड फ्लोर क्लीनर एंड इससे आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड यू कैन इवन यूज दिस फंक्शन. इससे ब्रश बाहर आ जाता है, इससे ब्रश अंदर चला जाता है, सो लेट मी शो दिस टू यू. ब्रश बाहर, ब्रश अंदर, ब्रश बाहर, ब्रश अंदर. इसके सिवाय वी हैव अ स्मॉलर पार्ट जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है बिकॉज आई हैवन टेस्टेड आउट ऑल द पार्ट्स. सो दिस पार्ट इज आई एम गेसिंग फॉर स्मॉलर एरियाज जैसे कि कर्टन्स वगैरह या फिर सोफा वगैरह. सो ये छोटा पार्ट है एक इसके साथ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ वेरी स्मॉल नॉजल टॉप जिसमें एक छोटा सा ब्रश भी है अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो. मैं इसे यूज़ शायद ना करूं बट दिस इज़ फॉर स्मॉल क्रिवाइसिस एंड स्मॉल नॉजल्स जैसे कि वॉल कॉर्नर्स या फिर छोटे छोटे एरियाज. तो आज हम लोग इस वैक्यूम क्लीनर को टेस्ट करने के लिए इन सारे पार्ट्स को टेस्ट करेंगे एंड लेट्स सी हाउ डज दिस वैक्यूम क्लीनर परफॉर्म विद ऑल द डिफरेंट पार्ट्स एंड आई एम फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट क्लीनिंग. इसे ले चलते हैं किचन सबसे पहले क्योंकि किचन की फ्लोर हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस आउट वेदर और नॉट इट वर्क्स ऑन द फ्लोर प्रॉपरली. काफ़ी छोटा कन्वीनियंट सा है ये वैक्यूम क्लीनर है मस्त. मैं ऑफ करना भूल गई थी पिछली बार यूज़ करने के बाद बट ये है इसका ऑन ऑफ बटन और ये है इसका आई थिंक कॉइलिंग बटन. ओह इट वर्क्स. वेट अ सेकंड मुझे वायर अभी और चाहिए. लेट्स सी इफ द कॉइलिंग एक्शन एक्चुअली वर्क्स. ओह इट वर्क्स. वैक्यूमिंग चालू करते हैं फाइनली. प्लीज चल जा. वैक्यूम क्लीनर डज द जॉब विद द फ्लोर क्लीनिंग एटलीस्ट काफ़ी एफिशिएंटली पूरा किचन की फ्लोर एटलीस्ट साफ हो चुकी है. बट विद दिस फुट मैट आई हैड टू स्ट्रगल अ लिटिल बिट बट आई थिंक इट्स गोइंग टू डू अ बेटर जॉब विद बिगर कार्पेट्स जो इतने मूवेबल और इतने सक्शन प्रोन ना हो. आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम वेरी डर्टी वर्ड. अब जो हमने बड़ा पार्ट टेस्ट आउट कर ही लिया है लेट्स टेस्ट आउट दिस स्मॉलर पार्ट जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया. For the blinds over here, the Roman blinds that I have in this room. ये मेरा studio room है actually and this room is in some need of very urgent cleaning क्योंकि इस room को मैंने बहुत ही बुरी तरह से रखा हुआ है अभी तक. बुरी तरह से तो नहीं but it's the most used room when it comes to shooting. So इसमें सामान usually पड़ा रहता है इधर उधर and I get very little time to clean it. But today I at least want to start off with cleaning the Roman blinds. Now I'm just scared of one thing कि इसका suction इतना ज़्यादा strong है कि जो हमारे foot mat के साथ हो रहा था शायद वही हमारे Roman blinds के साथ भी होगा. But I'm hoping this is going to work. So let's give this a shot. हल्की हल्की गर्म हो गई है बट कंसिडरिंग हाउ लॉन्ग आई वैक्यूम फॉर ऑलमोस्ट 3 minutes आई थिंक एंड 3-4 minutes आई थिंक
और थोड़ी थोड़ी मोटर गर्म हो गई है, बट आई थिंक इट विल कूल डाउन इन सम टाइम. बट इट डज द जॉब बिकॉज आई कुड सी दैट द कर्टन वॉज गेटिंग मच क्लीनर. आई थिंक वो कैमरे में तो दिखा नहीं होगा, बट आई कुड सी दैट देयर वर पैचेस ऑफ द कर्टन विच आर गेटिंग रिड ऑफ ऑल द डस्ट. सो आई थिंक दिस वैक्यूम डज द जॉब. सो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट एट सच अ स्टील फॉर जस्ट 2,000 rupees, कंसिडरिंग दैट द अदर वैक्यूम क्लीनर्स इन द मार्केट वर अ लिटल मोर एक्सपेंसिव इवन ऑन सेल. So yeah, super happy with this purchase, and my final verdict is that it is passable. It's a good product and at the price and for whatever needs you have in your house, I think it's a pretty good product. See, I don't know about you guys, but मुझे personally घर पे हर चीज की एक जगह अगर कोई fixed हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. So for example, मेरे घर में कोई झाड़ू रखने की पोछा रखने की कोई जगह नहीं थी fixed. It's all in the utility balcony which is next to my kitchen. बट मुझे अमेजोन पे ये प्रोडक्ट दिखा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई एटलीस्ट थॉट दैट इट वाज वेरी अट्रैक्टिव. सो एक तो यहाँ पे हैंग करने के लिए हुक्स हैं. सो अगर आप यहाँ पे कुछ हैंग करना चाहते हैं जैसे कि कपड़ा, डस्टिंग क्लॉथ और मे बी लाइक वो नहीं होता जो झाड़ू लगाने के बाद उठाने के लिए यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उसे, डस्ट पैन. सो जो डस्ट पैन होता है वो हैंग कर सकते हैं. सो यू कैन हैंग वेरियस थिंग्स ओवर हियर. एंड यहाँ पे यू कैन पुट स्टफ़ लाइक ब्रूम्स, मॉप्स. एंड ये जो बॉल है उसे पकड़ के रखती है टाइट, एंड अगर आप इसे बॉल को अंदर पुश कर दो तो ये खुल जाती है, जिसके बाद आप यहाँ पे कोई सामान रख सकते हैं. सो आई थॉट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू ऐड द होल क्लीनिंग वाइब ऑफ माई हाउस राइट नाउ एंड इट विल ऑर्गेनाइज माई एंटायर क्लीनिंग स्टफ इटसेल्फ. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है वंस आई स्टार्टेड टेस्टिंग इट आउट. सो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक झाड़ू है एंड ये झाड़ू आगे से पूरा खराब हो चुका है बिकॉज मेरे पास इसको रखने की कोई प्रॉपर जगह नहीं है. एंड द पर्सन हु कम्स क्लीन टू क्लीन माई हाउस, द हाउस हेल्प हैज केप्ट इट इन अ डाउनवर्ड पोजिशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इसकी वजह से ये झाड़ू खराब हो चुका है. सो आई वॉज होपिंग दैट दिस ब्रूम होल्डर विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बट इसको मैंने यहाँ पे फिट करने की कोशिश की और ये ब्रूम इस ब्रूम होल्डर में, जिसका नाम अमेजोन पे भी ब्रूम होल्डर है, फिट ही नहीं आ रहा है. मैंने इस बॉल को अंदर पुश किया एंड आई ट्राइड लिटरली everything possible but this broom is not fitting inside this broom holder. So now I'm thinking ki is product ka mere paas kya kaam hai if it doesn't solve the basic problem that I have of keeping a broom in the house somewhere. So maine socha chalo dekhte hain aur cheezon pe ye kaam karta hai ki nahi. Mere paas yahan pe mop hai jo is video mein pehle bhi show kiya tha maine. Now see this mop fits because it's narrow and it slips so much that it can only be held in place properly if the handle is above this hole ग्रिपिंग सिस्टम. और अगर ये हैंडल यहाँ पे नहीं होगा तो ये मॉप ठीक से रुकेगा भी नहीं अपनी जगह पे. जैसे लेट्स लुक एट दिस अगेन, बहुत मुश्किल से रुक पा रहा है और कल जब मैं ट्राई करी थी तो ये सिर्फ इस हैंडल के थ्रू ही रुक पा रहा था. सो दैट इज़ एन इशू दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ. आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू रियली बी अ गुड प्रोडक्ट. और मैं ये भी सोचूँ कि मैं रेंटेड घर पर रहती हूँ तो हाउ डू आई फिक्स इट, इसमें सिर्फ होल्स हैं कुछ कुछ जिससे ये दीवार पर माउंट हो सकता है. सो आई थॉट चलो बाथरूम में यूज हो जाएगा, मे बी आई यूज़ लाइक 3mm टेप एंड डबल स्टिक इट, या फिर मैं ग्लू गन कर दूंगी बाथरूम की टाइल्स पे. ग्लू गन तो निकल जाती है, ग्लू तो निकल जाती है इवेंचुअली जब मैं मूव आउट करूंगी. एंड आई थॉट आई हैंग सम वाइपर्स ऑन इट, बट दिस इज माई वाइपर, लेट्स सी इफ दिस फिट्स. हाँ, आई थिंक दिस इज फिटिंग. और इस वाइपर में अनफॉर्चुनेटली कोई हैंडल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना वाइपर हो चुका है. सो आई थिंक रुक तो रहा है वैसे, आई मस्ट एडमिट. आई थिंक आई कैन इवेंचुअली यूज इट इनसाइड माय हाउस, मतलब मे बी वाइपर होल्ड करने के लिए, मॉप होल्ड करने के लिए, बट आई एम जस्ट अ लिटिल बम्ड दैट इट डज नॉट होल्ड माय झाड़ू. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव ओवर हियर इज नॉट सो मच अ क्लीनिंग प्रोडक्ट. It is meant to be a fake facade that your environment is cleaner than it is. So this is basically a contact paper that I have over here. And इस paper की जो finish है जो मेरे हाथ में है, it's a granite finish. And this paper can be easily peeled and stuck on surfaces. And also this is waterproof, so ideal for places like a sink in your kitchen. जैसे आप देख सकते हैं कि इस sink के पीछे का जो area है वो बहुत ही खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है. I absolutely don't like it. It is because the white cement that was stuck behind the granite is accumulating dirt and dust and also some amount of the rust जो pipes में से निकलता है वगैरह वगैरह वगैरह. So I am thinking that I will contact paper this part of my kitchen up. And ये contact paper क्योंकि granite finish का है और black color का है तो शायद it'll merge well with the surroundings. And we are going to really find out whether or not this works and whether or not this can help in your kitchen and also seal this area from getting dirty and getting water stuck between the joint. क्योंकि ये water आपके granite को actually खराब भी कर सकता है और तोड़ भी सकता है because over time it will weaken the surface. So let's hope this solves the problem. Okay, so 100 centimeters. Wow, beautiful looking paper this is.
Now we need approximately, oh, also it's very stiff, my goodness. थोड़ा सा चिपका के देखते तो हैं कि कैसे चिपक रहा है exactly. I need something which will make it smoother maybe. Okay, it is sticking, which is great. But I don't know how will I cover the joint exactly. I think I'll have to use like a cutter or something to make it neater. I think I filled in so one joint so far and it's looking nice and it's also looking pretty waterproof. Let's just hope this sticks better. I will probably have to use heat or something on it to make it stick better probably. Oh, nice. Let's see how this is doing. Okay. This is supposed to be a peel out sticker. Jo baad mein, if I ever want to remove it from this place, I can remove it when I leave this flat, of course, because it does not belong to me. But I'm trying my best to fir bhi secure it in place and see if this works out for this area behind my sink, because I absolutely dislike the appearance of it right now. Nice, yeah. So I tried and used some hair dryer on top of it, aur iske mein garam hawa mari maine, and ye actually bahut acche se chipak gaya hai, and I feel like it has completely changed the appearance of my sink so far at least. Mujhe थोड़ी सी और स्ट्रिप इस पोर्शन में भी लगानी पड़ेगी, बट आई फील लाइक इट्स लुकिंग सो नीट एंड क्लीन. इट्स एट लीस्ट लुकिंग बेटर देन बिफोर, क्योंकि पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था. सो नाउ आई एम थिंकिंग आई कवर ऑल ऑफ दिस अप, जितनी भी बचा हुआ एरिया भी है, एंड देन आई शो यू व्हाट द फिनिश्ड एरिया लुक्स लाइक. सो गाइज, दिस इज द फिनिश्ड अपियरेंस ऑफ द इंटायर ग्रेनाइट लुकिंग पेपर स्टिकिंग प्रोसेस, एंड आई फील लाइक इट्स लुकिंग वेरी नीट इन कंपेरिजन टू वॉट इट वॉज लुकिंग लाइक. लुक एट दिस, इसके जो कट्स हैं वो बिल्कुल ही ब्लेंड इन हो गए हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि ये पेपर है एंड इट्स नॉट एक्चुअल ग्रेनाइट. सो आई फील लाइक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आई वॉज इन सुपर नीट एट डूइंग दिस. आई थिंक आई शुड हैव यूज्ड अ कटर टू मेक इट लुक नीट एंड स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिजर्स. आई फील लाइक दिस रियली डज द जॉब एंड इट रियली ब्लेंड्स इन विद द एनवायरनमेंट, एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो आई एम गोइंग टू लिंक इट बिलो, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट आई फील लाइक यू कैन यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस एंड नॉट जस्ट कवरिंग अप द प्लेस बिहाइंड योर सिंक. So I guess you can use it for your cabinets in your kitchen or at other places in your house. You can probably use it for sink tops in your bathrooms, and you can even use it for chair tops, table tops, anything that you want to cover up to create a theme. And kyunki ye peel off ho jata hai bahut easily, especially if you live in a rented house, you can use something like this to cover up your furniture that you don't exactly like the color of. So I really like this product. With this, let's jump on to the last product in this video. Super clean. So this is our next and final product, and मैं कब से चाहती थी कि इसको मैं किसी वीडियो में फीचर करूँगी, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट. आई डोंट नो हाउ स्लाइम वर्क फॉर क्लीनिंग. दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्लाइम, इट्स कॉल्ड सुपर क्लीन, एंड आई स्पॉटेड दिस ऑन अमेजोन सम टाइम बैक. इट इज़ बेसिकली लाइक स्लाइम बिकॉज इसके अंदर एक जेल सा है जो ऐसे येलो कलर का होता है, एंड वंस यू dig your fingers inside this gel, it's like this very weird squiggly kind of product. This is mostly used for cleaning electronics, for example. So mere paas yahan pe ek keyboard hai jisme kafi dust hai. Now what happens in keyboards is ki na keval uske surface pe dust aa jati hai, but uske andar ke corners mein, inner corners mein bhi dust aa jati hai. So I am going to use this compound for cleaning. What you have to do is you just have to run this over everything that is unclean, and over time this little portion is going to be able to collect all the dust. Theek hai, and jab iska color change ho raha hai over a period of time, your super clean is going to change its color when you keep collecting dust on it, and jab iska color bahut hi dark red, bahut hi mustardy ho jaye, that means it's not usable anymore, but you can keep using it till then, and ye kaafi sari applications mein kaam aa sakta hai for cleaning compounds. So I am just going to gently start cleaning my keyboard over here. Oh, you must see how this is working. Look at this portion, it's filled with that dust right now. I am going to use my super clean and gently just roll this over. Oh man, काफ़ी अच्छे से साफ कर रहा है आई मस्ट से, एंड इट डज नॉट गेट स्टक इन योर नुक्स एंड क्रैनीज दैट इजिली. इसे बस इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्रेस करोगे देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गो टू इन साइड, बट
without pressing. You can just gently rub it over, roll it over, and it does the job. There is another reason why I bought this product, because slime is so fun. And even though my keyboard is entirely clean right now, I'm still using it because I just love the feeling of playing with slime. This area was so dirty and now it's relatively so much cleaner. So I'm really liking the appearance of my laptop right now. Uski screen ko bhi saaf karna hai, but at least keyboard to kaafi saaf lag raha hai. Last but not the least, maine abhi kal hi thoda sa windowsill ko वैक्यूम करने की कोशिश की थी, सेम वैक्यूम जो भी आपने देखा, एंड सिल्क क्लीन तो हो गया है बट उसके जो बहुत ही माइन्यूट कॉर्नर्स हैं उसमें अभी भी डर्ट है. सो आई फील लाइक लेट्स यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड सी हाउ इट वर्क्स. एंड ये सेम पीस ऑफ स्लाइम है जो मैंने अभी निकाला था आपके सामने ही, थोड़ा सा डर्टी हो चुका है फ्रॉम ऑल द क्लीनिंग बट इट्स स्टिल वर्किंग. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉप पोर्शन एंड सी हाउ इफेक्टिवली डज इट क्लीन. ओ ओ कॉर्नर में क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा. आई मस्ट से गाइज माई विंडोसिल कॉर्नर्स आर लुकिंग प्रिटी नीट कम्पेयर टू वट आई स्टार्टेड ऑफ विद. अभी भी थोड़ी थोड़ी डर्ट शायद रहती है बट द स्लाइम हैज इंटायरली चेंज इट्स कलर एंड इट हैज बिकम दिस मडी ग्रीन कलर. इतना सा एटलीस्ट पीस स्लाइम का, बट आई फील लाइक इट डिड द जॉब. इट डिड कलेक्ट ऑल द डर्ट एंड मोर देन एनी थिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं आई थिंक उसको क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी है ना. ऑब्वियसली दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर विंडो सिल्स बट आई फील लाइक इट रियली डिड डू इट्स जॉब. सो आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू हैव स्पेशली टू वॉन्ट क्लीन योर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ नॉट ऑल एट लीस्ट वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर क्लीनिंग अप योर हाउस फॉर दिवाली. एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द दिवाली वीडियोज आर कमिंग अप ऑन आवर चैनल. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट डेकोरेटिंग माई एंटायर हाउस. दिस वॉज जस्ट द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. नाउ ऑब्वियसली आई एम यूजिंग देम टू क्लीन अप द हाउस एज वेल एंड उसके बाद मैं सब कुछ डेकोरेट करने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी सो लिट अप एंड सो ब्यूटिफुल. आई कांट वेट टू शेयर द एंटायर place with you. So yeah, stay tuned for the next couple videos. Until then, don't forget to hit the bell icon. And agar kuch helpful laga to niche comments mein mention zarur kar dena. I will see you next time in another video. All right, bye bye.